कल कुलदीप चरण सिंह को जो है भारत रत्न देने की बात कही गई है, तो इसके अलावा तो आप क्या कह रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का मतलब ये है कि देश के गांव में रहने वाले हर जाति धर्म के व्यक्ति को सम्मान देना। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए तो काम करा ही करा, साथ ही उन्होंने गांव में रहने वाले जो भी गरीब लोग थे, मजलूम लोग थे, सबके विकास के लिए खाका खींचा। ऐसे ऐसे फैसले किए कि किसान को जमीन का मालिक बना दिया। आज कितने ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, बाहर के विश्वविद्यालय भी ऐसे हैं जहाँ उनके अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ाई जाती। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े सामाजिक संस्कारों को जीवंत रखने वाले हमारे महापुरुष थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा को सम्मानित करके इस देश के किसानों का सम्मान किया। 2024 के चुनाव से पहले इस मास्टर स्ट्रोक का क्या मानते हैं आप, किस तरीके से पश्चिमी यूपी में और पूरे देश में जो एक इफेक्ट पड़ने वाला है? निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह चाहे दूसरे दलों में भी लोग राजनीति करते हों, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के प्रति हर व्यक्ति के मन में सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी के कामों के आज भी गुणगान किया जाता है। चौधरी चरण सिंह इस गांव में रहने वाले हर आदमी के आत्मा में बसते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राहुल गांधी लगातार मोदी जी की जाति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के विषय में सवाल करने का वो भारत में कोई औचित्य रह नहीं जाता। राहुल गांधी को यही नहीं पता, पता नहीं किस नशे में रहते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। जयंत चौधरी भी अब जो है 12 तारीख को एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जो है कि शामिल होने की पूरी जो तैयार है, उनका गठबंधन हो गया। क्या मानने उनके आने से राजनीति में किस तरीके के बदलाव और पश्चिमी यूपी पर क्या प्रभाव? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं सब में बीजेपी आरएलडी यानी कि बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है हमारा, उस क्लीन स्वीप करेगा। निश्चित रूप से दोनों को फायदा मिलेगा। कई लोगों ने मांग उठाई है क्या गढ़वा में जो ट्रामा सेंटर बनना चाहिए, आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि यह हाईवे का किनारा है और हाईवे पे बहुत वाहन गुजरते हैं, अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, बनना चाहिए।